इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण का चौथा मैच आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला है और टूर्नामेंट के सभी संस्करणों की बात करें तो दोनों के बीच अब तक 17 मैच हो चुके हैं और इनमें से राजस्थान रॉयल्स 10 और किंग्स इलेवन पंजाब 7 को जीतने में सफल रही है। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर दोनों के बीच 5 मैच खेले गए हैं, हर बार राजस्थान की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। आपको बता दें कि रहाणे और आर अश्विन पर आज सबकी नजरें टिकी होनी है और ऐसे में स्टेडियम में होगा आईपीएल का महामुकाबला। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में मुकाबला होने वाला है जिसमें रहाणे और आर अश्विन पर सबकी निगाहें आज टिकी होंगी। पहले भी 17 मैच यहां पर हो चुके हैं। ऐसे में स्टेडियम में आईपीएल का महामुकाबला आज होने जा रहा है। पूरे देश में आज उत्साह का माहौल है, सभी 8 बजने का इंतजार कर रहे हैं। आठ बजे से आज मुकाबला शुरू होने वाला है, पूरे जयपुर वासियों में आज उत्साह का माहौल है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी लोकेश, ये बताएं कि इस बार के आईपीएल में पहली बार राजस्थान रॉयल्स मैदान में उतरने जा रही है और ग्राउंड होम से ये मुकाबला होने वाला है, कितना दिलचस्प बताएं। बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2019 का जो राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला है वो एसएमएस स्टेडियम आज शाम 8 बजे होगा, जो पहला मुकाबला होगा जो किंग्स इलेवन पंजाब के साथ होगा, क्योंकि पिछले इनकी जो पहले किंग्स इलेवन पंजाब का पिछले सीजन में जो राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में मुकाबला हुआ था एसएमएस स्टेडियम में, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की थी और इसी के साथ इस बार भी इनकी कहीं ना कहीं टीम में संतुलन उतना नजर नहीं आ रहा जितना पिछली बार था और उसी के साथ साथ इस बार भी किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है वो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन दर्शकों में इसको लेकर काफी उत्साह है। वहीं एसएमएस स्टेडियम में भी तमाम तैयारियां हैं वो हो चुकी है आईपीएल मैच को लेकर और उसी के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड के जिनकी एनओसी मिल चुकी है, वहीं जो आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी उन्होंने भी कल शाम को यानी जाकर एसएमएस स्टेडियम का जायजा लिया है तमाम तैयारियों को लेकर। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे जो दर्शक है उनमें भी खासा उत्साह है वो देखा जा रहा है और साथ ही साथ एक और जो खास इस बार मैच में होने जा रही है वह है राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी, क्योंकि इस बार राजस्थान रॉयल्स गुलाबी जर्सी के साथ में मैदान में उतरेगी और उसी को इनके ट्रेंड देखते हुए इस बार इनकी काफी दर्शकों में उत्साह देखा जा सकता है। जी लोकेश, ये बताएं कि हाल ही में छात्रों को टिकट की रियायत के लिए एबीवीपी ने आरसीए के समक्ष प्रदर्शन किया था, तो क्या उससे कुछ फायदा हो पाया है? जी देखिए, इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार मुकाबले में पिछली बार जो राजस्थान एसएमएस स्टेडियम में जो आईपीएल के मैच हुए थे उनको लेकर भी मैच से पहले से इनकी मांग की हुई थी, लेकिन इनकी इस पर पिछली बार भी ऐसी कुछ इनकी रियायत नहीं दी गई ना ही इस बार दी गई। हालांकि जो पहले 2012 से पहले 2012 यानी जो मैच हुए थे 2012 में या 2013 में, तो उस दौरान इनकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर स्टूडेंटों के लिए अलग से टिकट काउंटर खोले गए थे, लेकिन इन दो मैचों में दोनों सीजन में इस बार ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। जी जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।